समाजवादी पार्टी ने कराया, मैनपुरी में बीजेपी ने कुछ भी नहीं कराया। एक % बता दो आप कि मैनपुरी में बीजेपी ने क्या करा दिया, बताओ क्या हुआ, एक काम बता दो आप। ऐसा है कि ये सत्ता है, ठीक है, और सत्ता में क्या है कि बाप की जागीर नहीं होती है कि सत्ता आज हमारी है कल तुम्हारी है, ठीक है। वजह काम, जैसे कि क्या काम करा है मैनपुरी में अभी तक? कौन काम नहीं, कोई हर काम हुआ, कौन काम नहीं हुआ, काम क्या करा, करा है? क्या काम करा दिया? चौराहों पर मतलब मूर्तियां लगी है, काया मूर्ति सारे रोड खोद के फेंक दिए, क्या काम हो गया ये बताओ आप। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी ने मैनपुर में दिया क्या है, पहला काम बता दो आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ। सपा जीतेगी और क्या जीतेगी, सपा के अलावा कोई है ना, भामाई भाभी इकलौती भाभी है, वो जीतेगी। 1951-1952 में मैनपुरी जनपद की स्थापना हुई थी और तभी पहला इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। उस समय इस मैनपुरी जनपद को मैनपुरी जिला पूर्व कहा जाता था। पहला इलेक्शन हुआ और कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल की थी। उसके बाद इस जनपद मैनपुरी का नाम बदलकर मैनपुरी जिला पूर्व नाम बदलकर इसका नाम मैनपुरी जिला रखा गया। 2024 का आगामी लोकसभा जो चुनाव है उसकी दस्तक हो चुकी है और तमाम पार्टियों में सरगर्मियां तेज हैं। इसी क्रम में हम आज समय मैनपुरी के एक जेल चौराहा, एक जगह है मुख्य शहर में, हम वहाँ खड़े हुए हैं और इस लोकसभा आने वाले लोकसभा चुनाव में लोगों से उनका मन जान लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है। 1996 में जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी तो मुलायम सिंह यादव यहाँ से 1996 में सबसे पहली बार चुनाव लड़े थे। 1996 से लेकर अब तक यहाँ समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। मैनपुरी में सबसे ज़्यादा यादव वोटर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर शाक्य मतदाता आता है, तीसरे नंबर पर ठाकुर और तमाम जो है कास्टें हैं वो आती हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे। दादा क्या नाम है आपका? भूपेन्द्र सिंह। ये मैनपुरी शहर है, 2024 का इलेक्शन का आगाज हो चुका है, क्या लगता है कि अब की बार मैनपुरी में सपा का ही कब्जा रहेगा या दूसरी पार्टी कोई आएगी, यानी कि बीजेपी आएगी? दूसरी पार्टी आएगी, बीजेपी आएगी, लेकिन 1996 से तो अभी तक तो नहीं आ पाई बीजेपी कभी। आपकी आएगी। वजह काम, जैसे कि क्या काम करा है मैनपुरी में अभी तक? कौन काम नहीं, कोई हर काम हुआ, कौन काम नहीं हुआ, कुछ जो प्रमुख काम हो वो बताइए। बीजेपी काम, बीजेपी ने जो काम कराए हैं कुछ काम बताइए। शौचालय कराए, शौचालय और कॉलोनियाँ दी हैं। कॉलोनियाँ दी हैं आपको, कॉलोनी मिली है, शौचालय मिला आपको, जो कराया है उसको बताइए, ऐसे नहीं मतलब हवा में नहीं कि कराया नहीं है, कराया है, कराया है काम। तो इस बार मतलब सपा हारेगी यहाँ से, यानी कि डिंपल यादव हारेंगी? हारेंगी। चलिए ठीक है, डिंपल यादव यहाँ से, चूँकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी यहाँ से सांसद हैं। नेताजी मुलायम सिंह की मौत के बाद यहाँ पर उपचुनाव हुआ था 2022 में, जिसके बाद डिंपल यादव यहाँ से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने फिर उनको प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक यहाँ से अपनी किसी प्रत्याशी को का नाम घोषित नहीं किया है। आपका नाम क्या सर? रामू यादव। रामू जी, अब की बार क्या लग रहा है, क्योंकि 1996 समाजवादी पार्टी रही है, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस बार मैनपुरी को भी फतेह करेंगे, क्योंकि 80 में से 80 और मैनपुरी भी जाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है हम तो हमेशा सपा ही चाहिए, सपा यादव का गढ़ रहा है यहाँ मैनपुरी, जो भी है जैसा भी है, और सपाई हमेशा हम लोग लहर रखते हैं, सपा की हमेशा रखते हैं, और सफाई जीतेगी, हमारा हमेशा उम्मीद रहती है सफाई जीतेगी, जो भी है जैसा भी है। अच्छा, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में ठाकुर जयवीर सिंह, उन्होंने कहा है कि हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन समाजवादी पार्टी को ख़त्म कर देंगे, जिस दिन वो चाहेंगे। ऐसा नहीं है, पार्टी कोई किसी को ख़त्म नहीं कर देता है, सब अपना अपना वजूद रखते हैं, जैसा भी है जो भी है। अब कुछ भी कुछ तो है सपा के अंदर, जो लोग बोलते हैं यहाँ कि कैसा काम है, अब भैया ने बताया कि शौचालय बनवाए, कॉलोनी दिए, कॉलोनी पूछो ना कितना पैसा मिला, अभी कितना मिला है, 3 लाख देने के बाद 50,000 इनसे खुद खरीद लिए जाते हैं, 2.5 लाख रुपये दे दिए जाते हैं, 2 लाख दे दिए जाते हैं, 1 लाख रुपये ले जाती है सरकार, खुद अपने तरीके से लेती है, क्या है। पर वजूद ये है अपना कि जहाँ तक हम सपा को मतलब सपा को वोट देते हैं, सपा के ही रहेंगे हम, चाहे जीते हारे फिर वो भगवान की मर्जी है। मैनपुरी में क्या बीजेपी ने कुछ काम मैनपुरी में कराया कि नहीं कराया? मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, सिर्फ चौराहे पे वो लगा दिए, बीच गोल गोल वो बना दिए, किसी की मूर्ति यहाँ लगा दिया, जिसका उद्घाटन आज उसका उद्घाटन, अभी कोई मतलब बड़ा काम कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है सर? कल्लू। कल्लू, क्या आपकी बार मैनपुरी का क्या मूड है, लग रहा है कि डिंपल यादव फिर लौटेंगी वापस, या फिर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया लेकिन लगातार वो जीत का दावा कर रहे हैं? ऐसा है कि ये सत्ता है, ठीक है,
और सत्ता में क्या है कि बाप की जागीर नहीं होती है कि सत्ता आज हमारी है कल तुम्हारी है, ठीक है। ऐसा है कि जो तो जनता का मूड है, ठीक है, जनता में समझते यही है भाई, 5 साल बाद सत्ता चेंज होनी चाहिए यार, होनी चाहिए ना। अच्छा, तभी जनता का विकास हो पाएगा। ये नहीं कि 10 साल 15 साल तो वो अपने आप को अपने बाप की जागीर समझने लगते हैं बंदे, है ना। जो अभी कोई इंसान हुआ उसको लगातार मुख्यमंत्री तीन साल से दस साल से वो अपने आप को बाहुबली वो खुद समझ लेता है, वो किसी को सोचता नहीं है। ये है कि मैनपुरी ऐसा एक वो है डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ हमेशा समाजवादी गढ़ रहा है, इनमें समाजवादी जीतेगी यहाँ। अच्छा, लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है इस बार 80 में से पूरी 80 लेने का दावा कर रहे हैं वो। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैनपुरी की सीटें 80 हैं कम से कम, तो 20 सीटें तो सपा जीतेगी। फिरोजाबाद हो गई, मैनपुरी हो गई, ये बदायूं हो गई, दो फरकाबाद हो गई, ये सीटें तो प्रसिद्ध हैं, समाजवादी जीतेगी हमेशा। अच्छा, समाजवादी जीतेगी, पक्का जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। अभी डिंपल यादव जीती थी 3.5 लाख थे, ठीक है। वो जो बीजेपी प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी जो उनकी जो उनका खुद था ना, जो वहाँ से नहीं जीत पाए, तो डिंपल जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इसरार जी। मोहम्मद इसरार जी, अच्छा, अब की बार मैनपुरी के लोगों का क्या मूड है? लग रहा है कि समाजवादी पार्टी दोबारा यहाँ से लोकसभा सीट जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? समाजवादी तो जीतेगी, वो तो वो क्या रहे? जीतेगी समाजवादी, जीतेगी। हाँ, लेकिन बीजेपी के तो अपने दावे हैं, वो कह रहे हैं 80 में से 80 पूरी लेकर आएंगे। तो अपनी अपनी बात तो कह रहे हैं वो, जो आप हर कोई कहता है, कोई कहता है कि मार रहे हैं, सभी लोग कहते हैं हम जीत रहे हैं। अभी तो वोटर बताता है कि जीत रहे तो मार रहे हो। हाँ, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी यहाँ घोषित नहीं कर पाई है। हाँ, तो होता इसीलिए तो नहीं है घोषित हो रहा है कि मुसलमानों में मतलब बनाइए छत में कौन हाथ डाले, जीतना है नहीं किसी को, जीतना सपा को भी है, तो कौन अपने रुपये फंसा अपना, कौन मेहनत करे। अच्छा, एक बगल में यहाँ कचौड़ी का एक ठेला लगा हुआ है, कुछ लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, एक बार उनसे भी हम जानेंगे कि किसका माहौल लग रहा है मैनपुरी में खासतौर से। दादा, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुकीम। हाजी मोहम्मद मुकीम जी, अच्छा, अब की बार मैनपुरी में लग रहा है कि सपाही रहेगी या फिर परिवर्तन होगा कुछ? अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी ने कुछ काम कराया मैनपुरी में? काम तो हो रहे हैं, काम क्यों नहीं करवाए, काम हो रहे हैं। कोई एक विशेष कुछ खास काम जो आपको दिखाई पड़े हो? जो सारा काम ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इतना विकास है जैसे पिछली सरकार में भी हुआ था, अब भी हो रहा है। तमाम यादव भी मुख्यमंत्री रहे, दोनों को अगर हम बैलेंस करें तो ज़्यादा मैनपुरी में काम किसने करा? ज़्यादा तो सफाई सरकार ने करवाया है इससे पहले, भाई वहाँ की सांसद भी रहे हैं और अब वर्तमान में डिंपल यादव भी हैं सांसद। अच्छा। ये कहा सारे काम तो पहले ही गए ना। 1996 से यहाँ समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है अभी तक। हाँ। लेकिन बीजेपी अब दावा कर रही है कि हम 80 में से 80 जीतेंगे मैनपुरी। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, जीत भी सकते हैं नहीं भी जीत सकते हैं, ये दावा तो नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, चलिए। कुछ और युवा हैं जो कचौड़ी बना रहे हैं, आपका क्या नाम है? आशीष। आशीष, वोट दिया था नहीं दिया था? अब की बार दोगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब की बार मैनपुरी में डिंपल यादव ही रिपीट करेंगी या बीजेपी जीतेगी? बता नहीं सकते भाई, तुम तो यहाँ कचौड़ी का लगा रहे हो, लोग आते जाते होंगे, चर्चा करते होंगे। अच्छा, कुछ और लोग इशारा कर रहे हैं बात करने के लिए, हम उनसे एक बात पूछेंगे कि सर आपका क्या नाम है? दीपेश जी, 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ पर है, उनका वर्चस्व उनका किला कोई भेद नहीं पाया है, लेकिन इस बार कुछ समीकरण अलग दिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है। ये गलत है, क्योंकि मैनपुरी से अगर डिंपल ही जीतेंगे, अच्छा, लेकिन बीजेपी ने तो काम कराए, लोग अभी हम बात कर रहे थे सिद्दीकी साहब जो अजीत जी खड़े, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी काम क्या कराया, क्या काम करा दिया? चौराहों पर मतलब मूर्तियां लगी हैं, काया मूर्ति सारे रोड खोद के फेंक दिए, क्या काम हो गया ये बताओ? आप भी देख रहे हो, बात ये है कि मैनपुरी जो काम हुआ है वो समाजवादी पार्टी ने कराया, मैनपुरी में बीजेपी ने कुछ भी नहीं कराया। एक परसेंट बता दो आप कि मैनपुरी बीजेपी ने क्या करा दिया, बताओ क्या हुआ, एक काम बता दो आप। मैं आपसे पूछ रहा, आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बीजेपी ने मैनपुरी में क्या काम करा दिया? कानून तो, कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी दुरुस्त है मैनपुरी शहर में। अरे, इतनी अच्छी व्यवस्था है वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कितनी अच्छी व्यवस्था है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी ने मैनपुरी में दिया क्या है, पहला काम बता दो आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, पहला काम बताओ आप। नहीं, मूर्तियाँ लग रही है जगह जगह चौराहे पर, क्या होगा ये बताओ आप।
क्या होगा मूर्तियों से? आप, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हो, आप मुझे ये बताओ कि बीजेपी ने मैनपुरी में पहला काम ये करा दिया, एक काम बता दो आप। नहीं, 100 सैया अस्पताल दिया है यहाँ पर, सैनिक स्कूल चालू करा दिया जो सपा सरकार में बंद पड़ा, अभी बंद पड़ा है। कहाँ चालू हो गया सैनिक स्कूल? सैनिक स्कूल चल रहा है? नहीं चला अभी बंद। जितने आप काफी नाराज लग रहे हैं बीजेपी से? हम बीजेपी से नाराज नहीं, मैं किसी नाराज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आप ना बीजेपी की बात करो ना सपा की बात करो, जो मैनपुरी हुआ सपा से हुआ है, बीजेपी से बता दो ये काम हुआ, मुझे बता दो आप, एक काम बता दो आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या काम हो गया, एक भी काम? हाँ नहीं, और बाकी का बीजेपी ने अभी प्रत्याशी भी नहीं घोषित किया है मैनपुरी से। कोई भी प्रत्याशी आ जाए, मैनपुरी सीट केवल सपा की जाएगी, चाहे सांसदी को विधायक की अलग बात रह जाती है कि अलग हो गया, लेकिन ये एक सीट 100% के लिए सपा की है मैनपुरी से। अभी जो पर्यटन मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम जिस दिन चाहेंगे समाजवादी पार्टी को ख़त्म कर देंगे। जब वो पार्टी को ख़त्म करने का दावा कर रहे हैं तो फिर मैनपुरी कैसे जीतेंगे? ना, जब वो पूरी पार्टी ख़त्म करने का दावा कर रहे हैं तो पहले करो एक सीट ख़त्म कर लो, पहले मैनपुरी वाली, ये वाली, उसके बाद पार्टी को ख़त्म करना, पहली बात तो ये है, ये सीट ख़त्म कर दो ये वाली, उसके बाद पार्टी की बात तो बाद में आएगी ना, पहले यही सीट ख़त्म कर लो, या तो गया चुनाव अप्रैल में ये सीट कहीं हरा दो, हम समझेंगे पार्टी खत्म हो गई। ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से तमाम दावे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी द्वारा यहां से जीतेगी, ये अपने अपने लोगों से दावे। अच्छा, एक और हमारे साथ आ गए, आपका क्या नाम सर? लहीक अहमद। अच्छा, लहीक नाम है आपका। लहीक भाई, ये बताओ मैनपुरी में समाज बीजेपी ने और समाजवादी पार्टी अगर हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा काम किसने कराया है? सपा ने कराया है। तो जो 2024 का ये लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? सपा जीतेगी, और क्या जीतेगी, सपा के अलावा कोई है ना, हमारी भाभी इकलौती भाभी है, वही जीतेंगी। कार्यकर्ता मालूम पड़ रहा है समाजवादी के, हम तो इंसान हैं और आम जनता हैं, अपनी हमारी दिल की तमन्ना है। अच्छा। यहाँ से समाजवादी पार्टी भाभी जीतेंगी, हमारी इकलौती। अच्छा, बीजेपी दावा कर रही है अपनी जीत का? वो तो सरकार सत्ता में बैठी, वो तो हम भी कर रहे दावा, दावा करने में क्या जा रहा है। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? पिंटू। 2024 का लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को घोषित किया है, बीजेपी ने अभी प्रत्याशी ढूंढ नहीं पाया है, क्या लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ से? समाजवादी पार्टी जीतेगी, वही जीतती चली आ रही है। कुछ वजह बताओ, कुछ खासियत बताओगे? सब काम उन्होंने किया है, मैनपुरी में और किसी सरकार ने काम किया ही नहीं है। सिर्फ चौराहे चौराहे मूर्तियाँ लग रही हैं इस समय, बस और कुछ नहीं हो रहा। चिकित्सा है, पढ़ाई बेहतर नहीं हुई सरकार में क्या? नहीं, वो तो चल रही, जो पहले चल रही थी वो अब चल रही है। ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं और ये मैनपुरी का एक मुख्य चौराहा है, जेल चौराहा। यहाँ से हमने किसी कोई पार्टी के लोग नहीं थे, एक आम जनमानस थे, हम उनसे पूछ रहे थे कि इस 2024 में लोकसभा इलेक्शन में क्या होगा। अम्मा और खड़ी, एक बार अम्मा पूछ रहे थे, अम्मा क्या लग रहा है आपकी बार डिम्पल जीतेंगी या बीजेपी, मतलब सपा या बीजेपी, कौन जा रहा है? अब हमें तो जय लग रहा है, मोदी जीते हैं। अच्छा, मोदी जी जीतेंगे मैनपुरी से? हाँ, मैनपुरी से मोदी जीते हैं, वे खुद खरीद लेता है। खरीद लेते हैं और आगे तो खरीद ही लेता है, वोट जा रहा हूँ आते ही, मैं मायावती में जात मोदी के मैं और का। अच्छा, तो क्या मतलब ईवीएम में गड़बड़ी है कि किस वजह से ऐसा कैसे? अब हमें तो जना मालूम, बिंदा पूछा बिंदा। अच्छा, हाँ बाबा कुछ कह रहे हैं, बाबा ईवीएम में गड़बड़ी है, कहूँ वोट देव काऊ हुए मोदी। अच्छा, हाँ आप बुजुर्ग हैं, 1996 से यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा है लोकसभा सीट पे, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि हम मैनपुरी भी जीतने वाले हैं इस बार। हाँ, जीते, बीजेपी जीतेगी या सपा जीतेगी यहाँ से? सपा जीतेगी। तमाम दावे अपनी अपनी तरफ से हो रहे हैं, पेश हो रहे हैं, लेकिन आगाज अभी हुआ है और बीजेपी ने यहाँ प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है। जो यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं ठाकुर जयवीर सिंह, सदर विधायक भी यहाँ से हैं, उनका भी नाम चर्चा में है लोकसभा सीट में दावेदारी पेश करने का, और डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनका नाम प्रमुख रूप से चर्चा में यहाँ इस समय चल रहा है, लेकिन बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, ये चर्चा है सिर्फ। बाकी का उनकी जो संसदीय बोर्ड की जो कमेटी है वो तय करेगी कि मैनपुरी से चुनाव कौन लड़ेगा, लेकिन लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं। और इस लोकसभा चुनाव में पंजाब केसरी आपको मैनपुरी से हर तरीके की अपडेट देता रहेगा, लोकसभा चुनाव में जो भी चीज़ें यहाँ पर आएंगी सामने वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। आफाक अली खान, पंजाब केसरी, मैनपुरी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।